देखिए आपके सामने आज टॉपिक है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना है आपको 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू और 1 बाई एफ। यहाँ तो ये समझना होगा आपको कि यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और एफ क्या है, फोकल लेंथ है। ये आपको सारे बोर्ड्स में लगभग इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने कनकेव मिरर है ये, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। तो यहाँ से देखिए इसके जो अपर एंड है वहां से एक रे को हम ले जाना है, और ये जो है आपका फोकस से देखिए यहाँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरल रे होगा वो तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाता है, ए का यहाँ ए डैश पॉइंट बना। फिर देखिए यहाँ पर एक रे और, अगर आप मानते हैं कि थीटा पर अगर ये इंसिडेंट होगा तो थीटा से ही रिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो ये 2 पॉइंट मिल गया, तो 2 पॉइंट कम से कम चाहिए इमेज बनाने के लिए, 2 रे चाहिए हम लोग। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो रे है देखिए यहाँ पर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है और ये देखिए रिट्रेस हो गया है। तो क्या क्या हम लोग 3 रे लेना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जा रहा है, फिर आपका पोल पर जो है एक रे को हम इंसिडेंट करा रहा है, तो जितना एंगल से जाएगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और तीसरा जो रे ले रहे हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है जो रिट्रेस हो गया है, क्योंकि तो परपेंडिकुलरली यहाँ यहाँ पर इंसिडेंट होता है, तो जितना से यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ रिट्रेस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के नॉर्मल पर जब पड़ेगा, मान लीजिए अगर एक पॉइंट ले नॉर्मल से अगर जा रहा है इंसिडेंट होगा तो रिट्रेस हो जाएगा, तो ये चीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है, तो साइन कन्वेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लेंगे, एक्स मान लेते हैं, ये -x मान लेंगे, और ये आपका ऊपर वाई हो जाएगा और ये नीचे -y हो जाएगा, ठीक है ये। अब देखिए हम लोग कुछ सिमिलर ट्रेंगल्स के मदद से इसमें रिलेशन को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस ट्रेंगल को देखा जाए और इस ट्रेंगल को देखा जाए, तो देख रहे हैं ये एंगल बराबर, ये एंगल हो गया आपका, ये 90 है, और इसको भी एम पी बहुत क्लोज है तो ये 90 आप ले सकते हैं। तो जब ये दोनों एंगल्स हो गया तो ये भी एंगल्स इसके बराबर हो जाएगा, ये सिमिलर ट्रेंगल हो जाता है। तो यहाँ पर इस एंगल की अगर बात करें यहाँ पर, तो लिखा जाएगा पहले थे इन ट्रेंगल ट्रेंगल ए डैश बी डैश एफ, या ट्रेंगल इतना सिमिलर टू ट्रेंगल आपका हो गया एम ट्रेंगल एम पी एफ, ये हो गया। अब इस एंगल के लिए देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, ए डैश बी डैश, और उसमें कितना हो जाएगा आपका एम पी एम पी, ये लिया, और फिर इस एंगल के लिए ये हो जाएगा कितना हो जाएगा एफ बी डैश, और इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा ये आपका पी एफ हो जाएगा पी एफ, ये हो गया आपका इक्वेशन वन। अब देखिए हम लोग एक और ट्रेंगल कंसिडर करते हैं, अब पी या ट्रेंगल ए डैश, इस पूरे ट्रेंगल को लेते हैं ए डैश बी डैश पी, और ये सिमिलर है आपका पी ट्रेंगल पी बी ए का। देखिए यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि ये 90 है और ये भी 90, इस एंगल के लिए देखिए यहाँ ये एंगल बराबर ये एंगल है, ठीक है, तो ये आपका बच गया ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया,
हाँ तो ये देखिए इस बड़े ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, और फिर ये बड़ा जो ये ट्रेंगल हो गया ए डैश बी डैश पी और पी बी ए। इस थीटा को देखिए आप, इस थीटा के लिए अगर हम लेते हैं तो कितना होगा ए डैश बी डैश बाई ए बी, और फिर ये इस एंगल की बात करें तो ये एंगल बराबर ये एंगल इस तरह, क्योंकि 90 90 थीटा थीटा तो ये एंगल बराबर ये एंगल तो बच जाएगा, कट एंगल है ना, तो ये करेंगे तो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो पी बी डैश और ये बड़े जो ट्रेंगल है उसमें क्या होगा पी बी हो जाएगा ये दो। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए ये पैरेलल रे है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखिए या तो आप पैरेलल लाइन बोलिए या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, या अगर रे की बात कर रहे हैं तो दो पैरेलल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी अगर भेजेंगे तो फिर रिट्रेस हो जाएगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर का सिचुएशन बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन है तो इसके बीच में हर जगह डिस्टेंस सेम होगा, तो ए बी जो देखिए अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो एम पी होगा ये आपका ए बी के बराबर है, और ए डैश बी डैश है ऊपर में तो ये आपका इधर वाला पोर्शन बराबर हो गया। तो फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू है ना, ये हो जाएगा तो एफ एफ पी डैश पी एफ, और इधर हो जाएगा आपका पी बी डैश और ये हो जाएगा पी बी। अब देखिए सारा जो डिस्टेंस होगा हम लोग पोल से मेजर करेंगे, तो अब देखिए एफ बी डैश है इसको यहां से कैसे लिखेंगे, लिख देंगे हम वो पी बी डैश माइनस पी एफ, ये आपका हो जाएगा अंतर, इस डिस्टेंस में से इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा, और फिर है आपका पी ए जो पोल से उसको कुछ नहीं करेंगे पी ए पी बी डैश, चलिए भी पोल से है इसको भी कुछ नहीं करेंगे, और ये है आपका पी बी चलिए भी पोल से। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर साइन स्कीम की बात कर ले लोग, ये जो है आपका यू है, यू है यहाँ भी दिखा सकते थे, ये आपका वी है, ये आपका एफ है और ये आपका आर है। साइन स्कीम कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेंगे हम लोग, देखिए पी बी डैश पी बी डैश देखिए पी बी डैश है तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस पी एफ देखिए तो ये हो जाएगा माइनस एफ, बट नीचे है पी एफ हो जाएगा माइनस एफ है ना, चलिए इधर हो गया। अब इधर करते हैं पी बी डैश तो हो जाएगा कितना माइनस पी बी डैश माइनस भी हो जाएगा पी बी ये हो जाएगा आपका माइनस, तो देखिए इसमें तो माइनस खत्म हो जाएगा तो इसे लिख दो माइनस बी प्लस एफ और ये हो जाएगा माइनस एफ और ये होगा बी बाई। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो कितना होगा माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस यू भी इससे कर रहे हैं प्लस यू एफ माइनस पी एफ ये हो जाएगा। अब क्या कीजिए ना इसमें डिवीजन कर दीजिए यू भी एफ से यू भी एफ से यू भी एफ से, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा यू भी खत्म हो जाएगा माइनस वन बाई यू एफ कट गया वन बाई बी और माइनस वन बाई यू जाएगा, इसको इधर लाइए वन बाई यू वन बाई बी और इसको उधर ले लीजिए वन बाई यू, ये देखिए आपका रिलेशन बन गया, देख सकते हैं आप कैसे करेंगे। अब एक और रिलेशन ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है आर बाई टू होता है, इसमें पुट करते हैं एक और रिलेशन बन जाएगा वन बाई यू प्लस वन बाई बी और ये हो जाएगा आपका आर बाई टू हो जाएगा ना, एफ के जगह टू ऊपर चल जाएगा, ये भी रिलेशन आपको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हम लोग प्रूफ कर लिए। अब अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन की बात करें यहां पर, तो मैग्निफिकेशन अगर आप बात करना चाहते हैं तो कोई ले लीजिए इसी में से, हाइट के साथ आपका, जैसे इसका अगर हम लोग बात करें यहीं पर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डैस बी डैस बाई ए बी। इस एंगल के लिए बात कर लें, देखिए तो अलग से इसको कर दे, इसको अलग से कीजिए यहां पर, तो इसको यहां से मैग्निफिकेशन वाला जिसमें हाइट हो उससे रिलेट करना होगा आपको। चलिए इसे ए डैश ए डैस बी डैस एच टू, इसको मगर मान लेते थोड़ा देर के लिए एच टू, एच टू मान लेते हैं इसको, और इसको एच वन मान लेते, तो यहां से रिलेशन आपको आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे यहां पर, फ्रॉम टू कर ले, जस्ट लिख ले फ्रॉम टू, तो क्या होगा एच टू बाई एच वन, एच टू बाई एच वन, और ये आपका होगा पी बी, पी बी डैश पी बी डैश पी बी डैश, देखिए यहां पर है पी बी डैश, ये होगा आपका माइनस भी, और पी बी, पी बी हो गया आपका माइनस क्यू, और यहां भी साइन दे दीजिए आप, एच टू है आपका माइनस, नीचे की ओर है माइनस वाई में, और ये आपका प्लस। इसी को देखिए, इस हाइट को जो रेशियो होता है इसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, लीनियर रेखीय आवर्धन कहते हैं। एम बराबर हो गया आपका एच टू बाई एच वन माइनस, अब देखिए इस माइनस वहां डाल दे माइनस बी बाई, या इसमें भी रख सकते हैं, तो ये आपको कन्फ्यूजन है। देखिए तो फार्मूला क्या हम लोग को मिल गया, वन बाई बी प्लस वन बाई यू वन बाई एफ, वन बाई बी प्लस वन बाई यू और टू बाई आर, और एम बराबर क्या हो गया एच टू बाई एच वन, या पहले इसको लिख सकते हैं कोई माइनस बी बाई यू और एच टू बाई एच वन। देखिए यही प्रूफ करना था, इस तरह प्रूफ करते हैं इस तरह, तो इस तरह हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे, है ना। अब इस पर क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग बकायदा देखेंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन कर ले, सपोज कीजिए क्वेश्चन को दिया जाए, क्वेश्चन देख लीजिए, कोई आर्बिट्री डाटा लेकर के एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड प्लेस्ड एट एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर देन फाइंड इमेज। अब देखिए सारा चीज हम लोग इसमें करके देखते हैं नेचर कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो देखिए यहाँ पर एच वन का मान दिया हुआ, देखिए रफली आप बना सकते हैं इस तरह देखिए, और यहाँ पर गौर करने की बात है कि ये आपका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हम मान लेते हैं सी, और एफ जो दिया हुआ है आपका
फोकल लेंथ, तो देखिए यहाँ पर माइनस होगा, ए बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर और प्लेस एट 15 सेंटीमीटर, यू बराबर होगा माइनस 15 सेंटीमीटर, एच वन का मान है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले भी निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे भी निकालेंगे, है ना, भी निकालेंगे, भी वन बाई भी प्लस वन बाई यू और वन बाई यू, ठीक। साइन स्केम आपको हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेना है, उसमें गलती होने की संभावना कम रहती है। तो वन बाई भी और ये हो जाएगा आपका माइनस 1/15 और ये हो जाएगा माइनस 1/30, इस तरह। तो वन बाई भी ये चला जाएगा 15 प्लस 1/30, कितना होगा 30 cm होगा, 15 दुना और ये 1/30, तो भी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देखिए भी का मान प्लस आ रहा है, देखिए एक चीज समझना होगा, एम का मान अगर निगेटिव आएगा तो ये रियल होगा और अगर एम का मान पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल होगा। तो अब देखिए यहाँ एम पहले निकाल लीजिए, माइनस भी बाई यू, तो माइनस भी कितना है 30 और यू कितना है माइनस 15, तो देखिए ये कितना होगा प्लस 2, इसका मतलब क्या होगा वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब हाइट निकालना हम लोग, तो माइनस ए बाई यू और एच टू बाई एच वन, एच वन ये तो आ गया प्लस 2, तो एच टू बाई एच वन, एच टू कितना हो गया, ये हो गया आपका 2h1, तो 2 और ये है आपका 5, तो हो गया 10 सेंटीमीटर। दूसरी बात प्लस है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देख सकते हैं, अगर इसका हम देखें तो दुगना है, मान लीजिए यहाँ देखिए अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये 15 पर रखा होगा, मतलब यहाँ है और इससे दुगने हाइट का बन रहा है, देखिए वाई डायरेक्शन होगा और ये प्लस में, तो ये आपका दुगना होगा, देखिए ये वर्चुअल होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा चीज़ हम लोग डाटा निकाल के उसको कर सकते हैं। तो सारा चीज़ पता चल जाता है कि वर्चुअल है और आपका इरेक्ट है, देखिए पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये कर सकते हैं आप सारा चीज़। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि भी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एच टू बराबर 10 सेंटीमीटर, वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट और मैग्नीफाइड कितना टाइम्स हुआ, तो 2 टाइम्स, ये मैग्नीफिकेशन आपका निकल गया, मैग्नीफिकेशन, तो ये मैग्नीफाइड कितना टाइम्स हुआ, तो 2 टाइम्स हो गया, इस तरह हम लोग कर सकते हैं इसको। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर अगर कर दें कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कर, तब क्या होगा इसको भी थोड़ा देख लें हम लोग, तो दो टाइप हो जाएगा आपका प्रश्न का। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके लिए देखा जाए, देखिए ये आपका इस तरह होता है कन्वेक्स, सी है एफ है और ये 5 सेंटीमीटर का रखा हुआ है, देखिए एच वन, एच वन बराबर 5 सेंटीमीटर और आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हटा लीजिएगा तो देखिए यू इधर मेजर कर है ना, तो और ये तो इधर निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इधर एक्स मान रहा है, इधर -x होगा, ऊपर में वाई होगा और नीचे -y, एफ इसका प्लस होगा इस डायरेक्शन में प्लस एक्स में, एफ इक्वल टू कितना है फोकल लेंथ 30 में प्लस हो जाएगा और यू क्या है निगेटिव हो जाएगा -x में, ये हो गया आपका -15 सेंटीमीटर। अब इसके लिए हम लोग करके देखें, तो 1/v प्लस 1/u, 1/u तो 1/v 15 माइनस 1/15 हो जाएगा और ये प्लस है ये, तो 1/v 15, 1/30 एलसीएम ले कितना हो जाएगा 30, 2 + 1 3/3, तो 3 से कितना होगा 10, तो वी इक्वल टू होगा 10 सेंटीमीटर, देखिए प्लस आया मतलब ये प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो इधर कहीं बनेगा। अब इसका देखना पड़ेगा उसका हाइट क्या आ रहा है प्लस की माइनस, एम निकाल ले पहले, माइनस वी बाई यू
माइनस, और भी हो गया आपका 10, यू कितना दिया हुआ है -15, देखिए कट जाएगा, तो 5 दूनी 5 तरीके, ये प्लस हो गया देखिए, तो इसका मतलब वर्चुअल बनेगा, यहाँ से प्लस से हो गया वर्चुअल, वर्चुअल हो गया। अब हाइट निकाल दें, H2 by H1, H2 हो गया 2 by 3 H1, 2 by 3 H1 कितना है 5 है, तो ये हो गया 10 by 3, 3.33। तो देखिए यहाँ पर जो ये भी प्लस आ रहा है, मतलब क्या होगा, वर्चुअल है, यहाँ पर इधर बन रहा है, देखिए कहीं ऐसे बनेगा इस तरह। अब देख सकते हैं साइन स्कीम हम लोग तो यूज करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर, इससे आपको मिस्टेक कम होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर चार्ट वगैरह आपको अगर याद रहेगा तो और थोड़ा सहूलियत होगा, और ये सारा जो है सेपरेट डिस्टेंस है, आप पोल से मेजर कीजिएगा, है ना। तो एक बार फिर से रिविजन कर दे कि इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन में माइनस, इस डायरेक्शन में प्लस, इस डायरेक्शन में माइनस, हमेशा लेते रहेंगे, कभी मिस्टेक नहीं होगा। और अगर आपको कोई चीज़ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर कहीं का चार्ट वगैरह लिखा देंगे, लेकिन सारे बॉक्स में रखते हैं, इसीलिए हम चार्ट वगैरह नहीं लिख रहे हैं। जो साइन कन्वेंशन की बात है तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर लेते हैं, जो मैथ्स में लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि x-x y-y सबसे इजी कन्वेंशन है। तो थैंक्स टू ऑल, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, हम आपको मदद करते रहेंगे।